प्रोग्राम में सब होते रहता है, तो हम गांव को उदाहरण लेते हैं, गांव को उदाहरण लेके आप समझाते हैं कि गांव में आप देखते हैं तो लोग बोलते हैं गढ़ बोलते हैं, अलग अलग बिहार की बात करते हैं तो अलग अलग जगह को अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कोई इसको ढिबरा बोलता है, कोई उसको जाता है तो माउंड बोलता है, कोई जाता है तो तिल्हा बोलता है, तो सब में हमारी विरासत छिपी हुई है। तो जब बारिश के समय जब प्रारंभ होता है और उसका जब पिंड होने लगता है तो हम लोग कोशिश करते हैं, काफी अच्छा अवसर होता है हम लोगों को साइट को सेलेक्ट करने में, तो हम लोग उसको खोजने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो रेन गली जो बारिश होने के बाद जो रेन गली बनती है तो उसमें हम लोग जाके देखते हैं, तो वहाँ हमको काफी संख्या में प्राचीन काल के अवशेष देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरा जो टीला है धीरे धीरे कट के उस गली में और उसके सब अवशेष हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। और वहाँ आप बोलेंगे तो ऐसा होता है कि पूरे टीला का सेक्वेंस हमको रेन गली में देखने को मिलता है, मतलब प्रारंभिक काल कौन सा था, उसके बाद कौन सा काल आया, उसके बाद कौन सा, आप उसको साइंटिफिक जब स्टडी कीजिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा, सिर्फ उसको देखने से उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर और उसको लार्जर स्केल पे आप उसको चाहिए डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत है तो पूरे आप उसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं। क्या बात है, ये हमारे युवा के लिए एक अच्छी संदेश है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर अभी भी करना है और इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए और इसके संरक्षण भी करना चाहिए। तो जैसे थोड़ी पहले आप नालंदा के बारे में बता रहे थे, तो प्राचीन युग में शिक्षा और जैसे स्वास्थ्य का जो सेगमेंट है उसमें क्या कुछ पाया जाता है बिहार में? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार हमारा शिक्षा का प्राचीन काल से केंद्र रहा है, अगर देखा जाए तो पूरे भारत वर्ष का इम्पोर्टेंट जो एजुकेशनल सेंटर था तो हमारा बिहार ही था, अगर तक्षशिला वगैरह वर्तमान जो अलग हो गया भारत से उसको अलग कर दिया जाए तो नालंदा के बारे में जहाँ भी काफी पूरे शिक्षा केंद्र था, उसके अलावा विक्रमशिला है, उदंतपुरी है और आज बिहार सरकार खुदाई करवा रही है तिलहाड़ा में, तो वहाँ से काफी हम लोगों को एंटीक्विटीज वैसे मिल रहे हैं जो एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, ये एजुकेशन का महत्वपूर्ण सेंटर था। और ये तो एजुकेशन की बात होगी, तो उसके अलावा शिक्षा का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की बात होती है, तो स्वास्थ्य में जब बात करते हैं तो कुम्हरार का जब एक्सप्रेशन चल रहा था तो वहां से हम लोगों को हॉस्पिटल कम मोनास्टिक एविडेंस मिला है, क्योंकि वहां से एक सील मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है गुप्त पीरियड का, गुप्त पीरियड के बारे में सर आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, गुप्त पीरियड उस काल को कहेंगे लगभग आज से लगभग 1500-1600 साल पहले का जो फेज है उसको हम लोग गुप्त काल के रूप में जानते हैं, तो वहां से उस काल का अवशेष एक सील है, एक मुहर है, उसके ऊपर चारों तरफ से अभिलेख लिखा हुआ है जिसकी भाषा संस्कृत है और लिपि उसकी ब्राह्मी लिपि है, तो उसमें लिखा हुआ है श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ से, मतलब वह आरोग्य विहार ऐसा है, वह मोनास्ट्री और हॉस्पिटल का मोनास्ट्री वैसा है जो भिक्षुओं के संघ